हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज पर्क वर्क। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा पर्क वर्क, तो पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एम्पीरिया सर्किटल लॉ क्या होता है, और हमने देखा था उसकी इनकंसिस्टेंसी क्या है जो मैक्सवेल ने दूर करी थी। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में डिफरेंस देखा था। एंड आज हमें देखना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो हमारा इस जो प्लेलिस्ट है उसका नेक्स्ट टॉपिक है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमको सिर्फ इसकी डेरिवेशन नहीं देखनी है, हमें इसे समझना है, राइट। हो क्या रहा है एक्चुअल में वो समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या कहती है ये। एन इक्वेशन विच एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग चार्जेस, ठीक है। इस पर ध्यान देना है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग चार्जेस इन अ सिस्टम एंड फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नोन एज इक्वेशन ऑफ क्वांटिन्यूटी। सिंपल सी डेफिनेशन, जिसमें दो इंटरनल सेंटेंसेस कनेक्टेड है, विच आर इनकमिंग एंड आउटगोइंग चार्जेस पहला, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। हमने क्या बोला कि एक इधर हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब एक सिस्टम है, मान लो इस सिस्टम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। अब इस चार्जेस का जब एक यहां पर एक होल हो गया, तो इस चार्जेस इस होल की वजह से चार्जेस बाहर निकलने लगे, बाहर निकलने लगे तो चार्जेस जो है वो इस वॉल्यूम से डिक्रीज होने लगे। अब चार्जेस अगर डिक्रीज होंगे तो हमने क्या बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि जितने चार्ज बाहर निकले उतने ही चार्ज इसके अंदर से कम हुए। तो पहली चीज हमें समझ में आ गई, विच वॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमारा कंजर्व है, जितना चार्ज बाहर निकलेगा उतना ही चार्ज इस वॉल्यूम से कम होगा। दूसरी चीज इनकमिंग एंड आउटगोइंग चार्जेस, कि कितने चार्जेस बाहर निकल रहे हैं एक्चुअल में, वो हमें कैसे पता लगा, दैट इज दिस टू इक्वेशंस। पहली इक्वेशन को समझते हैं सबसे पहले। सबसे पहले जब ये हमारे पास पूरी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अगर हमें ये वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्जेस पड़े हैं, चार्जेस है तो करंट होगा, करंट है तो डेंसिटी होगी, क्योंकि अभी तक ये वॉल्यूम क्लोज थी। क्लोज मतलब डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास है इसका एक्चुअल में। तो हमने क्या बोला कि ये करंट जो है वो कितना है, इंटीग्रल जे डॉट डी एस, एंड हियर जे इज नथिंग बट डेंसिटी, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इनकमिंग चार्जेस कितना है, I इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, एंड डी एस इज नथिंग बट इंटीग्रल, हम एस सरफेस के साथ कर रहे हैं, दैट इज डबल इंटीग्रेशन, पता है ना, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये थी हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि चार्जेस यहां से निकल रहे हैं, चार्जेस निकल रहे हैं, चार्जेस कम हो रहे हैं, मतलब डिक्रीज हो रहे हैं चार्जेस, एंड दिस नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ द चार्जेस। तो आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, वेर क्यू, क्यू हमें पता है कि हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू को क्यू इज इक्वल टू रो डॉट डीवी, जो हम पहले भी लिख चुके हैं पीछे, तो क्यू हमने क्या लिखा, इंटीग्रल रो डॉट डीवी। तो हमने क्या बोला कि आई इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इंटीग्रल रो डॉट डीवी, विच इज नथिंग बट माइनस डी रो अपॉन डी टी इंटू डीवी इंटीग्रल, दिस इज नथिंग बट चार्जेस डिक्रीजिंग। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और कितना चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इंटीग्रल डी रो अपॉन डी टी इंटू डीवी, और इनकमिंग चार्ज कितना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी एस, विच इज वेयर जे इज नथिंग बट द डेंसिटी। आई होप इतना क्लियर होगा, अगर इतना क्लियर है तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन में सिर्फ इन दो क्वांटिटी को हमें इक्वेट करना है, वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है, नहीं है तो वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एक बार फिर से देख लो यार। अब आगे देख लेते हैं, सबसे पहले हमने बोला था इनकमिंग चार्ज, जो इनकमिंग करंट होगा वो किसके बराबर होगा, लीविंग करंट के, है ना। ये हमने देखा था कि अगर ऐसा कुछ है, यहां से चार्ज निकल रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं हम कुछ की यहाँ पर होल है, तो यहां से जितना पॉजिटिव चार्ज निकला वो किसके बराबर होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था। तो हमने क्या बोला कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट, जो इनकमिंग करंट है इधर का करंट वो किसके बराबर है, जितना करंट यहां से निकला। तो हमने बोला इंटीग्रल जे डॉट डी एस, ये सरफेस इंटीग्रल है और क्लोज इंटीग्रल है, इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी इंटू डीवी, ये हमने पीछे देख लिया था। अभी अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, हम जे डॉट डी एस में जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल था उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हमें पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, कि सरफेस इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड इंटू डीवी जब हम उसका डायवर्जेंस ले लेंगे, जे वेक्टर का, है ना, जे का वेक्टर का हमने क्या लिया, डायवर्जेंस ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, रो डायवर्जेंस ऑफ जे इंटू डीवी, और ये हमने किसमें इधर रिप्लेस कर दिया, तो हमें क्या मिला, इंटीग्रल रो डॉट डीवी रो डॉट
डाइवर्जेंस ऑफ जे इंटू डीवी इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी इंटू डीवी। ये पूरी टर्म इधर गई और इन दोनों में से डीवी कॉमन आ गया, तो हमें क्या मिला, रो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डी रो अपॉन डी टी इंटू डीवी इज इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकती क्योंकि वॉल्यूम हमने कुछ ले रखी है, मतलब ये हमने कुछ लिया हुआ था ना जिसके अंदर था ये पॉजिटिव चार्ज, तो हमने बोला कि ये जो होगा ये जीरो नहीं होगा, मतलब डीवी जो होगा वो जीरो नहीं होगा, इसलिए इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, डेल जे डेल इंटू जे प्लस डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो डेल जे इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन निकल के आई, दैट इज रो डेल्टा इंटू जे इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इसमें एक केस बन जाता है, क्या केस बनता है वो केस देख लेते हैं। केस क्या होता है, हमारे पास बोल देंगे नहीं, हमारे खुद ही मतलब जब हम इसको प्रूव कर रहे होंगे तो हम एंड में ये दिखा देंगे, तो इससे थोड़ा लगता है कि हाँ बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इफ रो इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर हमने बोला कि रो कॉन्स्टेंट है, अगर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो हमने क्या बोला, डेल इंटू जे इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस। समझ में आ गया, केस क्या बोला हमने, हमने बोला इफ रो इज कॉन्स्टेंट, जब ये जो रो है, अगर ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ही बन जाए, तो हमने क्या बोला कि डी ऑफ कॉन्स्टेंट, डी अपॉन डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज जीरो। अरे भाई डी अपॉन डी टी ऑफ टू, टू का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो भाई हमने बोला कि जब रो जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो डीजे डेल इनटू जे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये क्या दिखाता है हमें, केस फॉर स्टेडी करंट। इस प्रूफ के बाद अगर हम ये लिख देंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये बाय चांस दो नंबर में भी पूछ सकते हैं कभी कभी, कि इफ रो इज कॉन्स्टेंट देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर रो कॉन्स्टेंट हो गया तो डेल इनटू जे जीरो हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट द केस ऑफ स्टेडी करंट। ये हमें बोलते हैं केस ऑफ स्टेडी करंट, ठीक है। तो आई होप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तक, ठीक है। तो अगर हुआ मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, कोई डाउट है तो, वरना सब्सक्राइब कर लो पर्क वर्क को। थैंक यू।